अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सेहत तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अपनी वीडियो रोज़ देख रहे होंगे और अपना लेसन भी बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अपना काम रोज़ करते हैं, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। उम्मीद है कि आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वन क्लास, हम सबसे पहले दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में अजाफा फरमा। चले प्यारे बच्चों, अपनी उर्दू की किताब खोलें। जी प्यारे बच्चों, देखते हैं कि आज आपने क्या पढ़ना है। सफ़ा नंबर 156, यहाँ पे है आज आपका सबक नंबर 22, नसीहत। नसाबी मौजू है नज़म अखलाकियात। ठीक है, हाँ जी। पढ़ने से पहले आए मज़ीद जाने, इसके ऊपर आपने डेट लगानी है 18/11 की। ठीक है, ये है सफ़ा नंबर 157। यहाँ पे आपने पहले तीन अशार पे डेट लगानी है। ठीक है, यहाँ तक 18/11 की। ये है सफ़ा नंबर 159। यहाँ पे आपने सवाल नंबर 7 के ऊपर डेट लगानी है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें, पढ़ने से पहले पहला आपका सवाल है, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। ठीक है, आपने इसका क्या जवाब लिखना है? माफ़ कर देते हैं। दूसरा सवाल देखें, अपनी और अपने दोस्त की कुछ अच्छी आदतें बताएं। प्यारे बच्चों, हर किसी में जो है बहुत अच्छी आदतें होती हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच बोलना। ठीक है, और भी बहुत सी अच्छी आदत होती हैं, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का एहतराम करना। ठीक है, तो आपने ये जवाब इनके लिख लेने हैं। आगे देखें, आए मज़ीद जाने, आप इसके ऊपर सवाल लिखना है, अल्लाह ताला ने क्या खिलाने से मना फरमाया है? अल्लाह ताला ने फिसाद फैलाने से मना फरमाया है। ठीक है, यहाँ आपने दूसरा सवाल लिखना है, अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद नहीं फरमाता? अल्लाह ताला लड़ाई झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला लड़ाई झगड़ा करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक है, यहाँ पे आपने 18/11 की डेट लगानी है। ठीक है, आगे हैं सबसे पहले ख़ास अल्फाज, लड़ना, लड़ाई करना, अंजाम, नतीजा, खिदमत, तमादारी करना, जन्नत, खूबसूरत जगह, मुसीबत, दुख, मुस्लिम, मुसलमान। प्यारे बच्चों, इनके मानिए आपने लिख लेने हैं और उनको फिर आपने याद करना है। ठीक है, आगे नज़म है आपकी, इसको आपने तरन्नम के साथ याद करना है। लड़ना भिड़ना काम बुरा है, लड़ने का अंजाम बुरा है, आपस में मिलजुल कर रहना, झूठी बात न मुँह से कहना, करते रहो माँ बाप की खिदमत, माँ के पांव तले है जन्नत। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक याद करना है। ठीक है, वन क्लास, आगे है आपका सवाल नंबर 7। दिए हुए जुमलों में का, की, के लिख कर जुमले मुकम्मल करें। हाँ जी, बारिश डैश बाद धूप निकल आई, बारिश के बाद धूप निकल आई, सना और इस डैश भाई अली पार्क चले आए, सना और इसका भाई अली पार्क चले आए, अचानक सना ने आसमान डैश तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, वो खुशी से बोली, भाई वो देखें रंगों डैश झूला, रंगों का झूला। अली मुस्कुरा कर बोला, सना वो धनक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने इसके ऊपर भी 18/11 की डेट लगानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आए मज़ीद जाने आपका 18/11 का होमवर्क है।
तो आपने इसको बहुत नीट करके अकॉर्डिंग टू लाइंस लिखना है और अपना होमवर्क लिखकर आपने व्हाट्सएप पे सेंड भी करना है, ठीक है, ताकि टीचर आपका होमवर्क चेक कर सकें। उम्मीद है कि आप अपना काम रोज़ कर रहे होंगे और अपना सबक भी बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे और अपना होमवर्क भी रोज़ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अपना काम बहुत अच्छा करना है और सबक भी बहुत अच्छा याद करना है। फी अमान अल्लाह।